नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे अगर आपने हमें अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर कर दीजिए। जी हाँ, इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, इस वक्त जो बड़ी खबरें जो आपके सामने मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, तो उन्हीं में से उसी श्रृंखला में एक बड़ी खबर जो सामने निकल कर आ रही है, ये खबर जो है राजपथ भाई सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से देखने को मिल रही है। उन्होंने इसको एक टैगलाइन दी हुई है, एक छोटी मगर मजबूत शुरुआत। जी हाँ, महान दल ने भी छोड़ा सपा का साथ, केशव देव मौर्या ने दिया बसपा को समर्थन। जी हाँ, जिस तरीके से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, केशव देव मौर्य ने सपा को बड़ा झटका दे दिया, सपा को झटका देने के साथ साथ उन्होंने बसपा को निस्वार्थ खुला समर्थन दे दिया है। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाए शुरुआती दौर में, जहां पर महान दल ने शुरू में 2022 में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं उन्होंने सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सपा के जो कोर वोट है वो कहीं ना कहीं मौर्य, कुशवाहा, इन सारी जातियों पर चुनाव के बाद जीत जाने के बाद उन पर ही जुल्म जाती करता है। इसी को लेकर उन्होंने बड़ी बात कह दी है, उन्होंने बसपा को निस्वार्थ समर्थन देने की बात कही है। जी हाँ, वहीं पर एक बड़ी खबर, प्रोफेसर दिलीप मंडल जी ने एक बयान लिखा है अपने ट्विटर हैंडल पर। उन्होंने लिखते हैं, बहस में हिस्सा लें, धर्म ईश्वर और आदमी के बीच का निजी संबंध है। धर्म जो है, उन्होंने वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि धर्म जो है वो धर्म और आदमी के बीच का जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, वो निजी होता है। कानून बनाकर ये तो तय हो सकता है कि आप अपने को किस धर्म का बताएं, लेकिन आप प्राइवेट लाइफ में क्या हैं और किस ईश्वर को पूजते हैं या नास्तिक हैं, ये आप ही जानते हैं। जबरन किसी को धर्म में रोके रखने की कोशिश बेकार है। धर्मांतरण विरोधी कानून पर बिना मतलब की चीज है, इसे धर्मांतरण नहीं रुकता। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जा रही है धर्मांतरण को लेकर, जिस तरीके से कानून पारित हुआ उसको लेकर बात कर रहे हैं कि आप किसी ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो रिलेशन है वो एक निजी संबंध होता है, और किसी इंसान को आप कानून बनाकर एक पर्टिकुलर धर्म या संप्रदाय को मानने के लिए बात भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी निजी लाइफ में वो किस ईश्वर को पूजता है और किस ईश्वर को मानता है, ये उसकी पर्सनल चॉइस है, इस पर आप रोक नहीं लगा सकते हैं। वहीं एक बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही, राजपथ भाई सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से निकलकर आ रही है, आनंद कुमार की पत्नी के नाम पर नोएडा में 200 से अधिक फ्लैट घोटाले के खुलासे की टाइमिंग देखिए। इधर मायावती भाजपा पर हमलावर हुई, उधर ये खबर, क्या मायावती डर जाएंगी या 400 करोड़ के प्लॉट जब्त होने जैसा हाल होगा। जी हाँ, जिस तरीके से बात किया जाए, बहन जी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पे भी हमलावर हुई, उसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बहन जी के खिलाफ इस तरीके का षड्यंत्र, ऐसा कहना है इस ट्विटर हैंडल के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं जो ये सारी बातें हुई उस पर देखा जा सकता है भाजपा जो है वो बहन जी पर हमलावर हो गई। और इस टाइम उस बयान के बाद अब आनंद कुमार की पत्नी के नाम से नोएडा में इस तरीके की जो ये खबरें, ये 200 से अधिक फ्लैट होने की बात जो सामने से निकल कर सामने आ रही है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति से भाजपा डर गई है। बहन जी की जिस तरीके से बहन जी एक्टिव हैं और लगातार समीक्षा बैठकें करते हुए अपने कैडर को मजबूत कर रही हैं, अपने वोट को मजबूत कर रही हैं, और लगातार जो चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से बसपा का जनाधार बढ़ गया है, कहीं ना कहीं बीजेपी डर गई है, जिससे वो बहन जी को डर दिखाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ अम्बेडकर वादी जी के ट्विटर हैंडल से उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल के आती है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने जैसे ही गठबंधन के विषय पर पुनर्विचार करने की बात बोली, बीजेपी ने तुरंत मीडिया को उनको बदनाम करने के लिए पीछे लगा दिया। मीडिया चैनल्स को जज किसने बनाया, बीजेपी का ये दांव उनको ही उल्टा पड़ेगा। हाँ, जिस तरीके से बहन मायावती जी ने जब से गठबंधन के पुनर्विचार की बात कही है, ऐसा कुछ अम्बेडकर वादी जी का कहना है, तब से बीजेपी का जो मीडिया है वो उनको लगातार बहन जी को बदनाम करने के लिए उनके पीछे लग गया, और कहीं ना कहीं मीडिया चैनल्स के जो एंकर है वो कहीं ना कहीं जज बनकर, जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर वो जज बन जाते हैं और अपने न्यूज चैनल के स्टूडियो में ही आरोपियों को सजा भी दे देते हैं, भले ही वो
इंसान बेकसूर हो वो तो बाद में अदालतें तय करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोदी मीडिया के जो ये एंकर हैं ये कहीं ना कहीं जज बनकर सामने वाले पर तमाम तरीके के बेबुनियादी जो आरोप लगाकर उसे सजा तक सुना देते हैं। उसी को लेकर कुछ अम्बेडकरवादी का ये बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने कहा बीजेपी को ये दाव उल्टा पड़ेगा और किस तरीके किसने इन जो गोदी मीडिया के एंकर हैं इनको जज किसने बना दिया, इस तरीके से उनका एक बड़ा जो का ये बयान सामने आया है। वही राजपथ सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो सामने से निकल कर आ रही है, जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री थे ये प्रधान जी जो जो अभी लखीमपुर में गए थे और अपनी सारी स्कीमों को बता रहे थे, वहीं पर जो एक महिला ने उनको भरी सभा में बता दिया कि इनको कौन सा कौन नहीं जानता है, लुच्चा है गांव का, इस तरीके की टिप्पणी जो सामने निकल के आ रही है। लगातार ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तमाम तरीके के न्यूज चैनल इसको लगातार दिखाने की कोशिश दिखा रहे हैं, वही उसी से संबंधित ये जो है खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वही असदुद्दीन अवैसी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी उन्होंने बयान पोस्ट किया है, बयान लगातार ये बयान उनका जो जिस तरीके से बात की जाए उत्तराखंड में जो कंट्रोवर्सी चल रही है, लगातार जो चीजें चल रही है उनको लेकर ये बड़ा बयान उनका आया है। उत्तराखंड को टैग करते हुए वो लिखते हैं कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनके जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही, भाजपा और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल है, सबका साथ सबका विकास की लाभवाजी एक तरफ और प्रधानमंत्री जी की चुप्पी एक तरफ। आरएसएस के भागवत का कहना है मुसलमान दुनिया में सबसे सुरक्षित भारत में है, भागवत को उत्तरकाशी में जाकर ये कहानी बतानी चाहिए कहनी चाहिए, सच तो यही है कि भारत का मुसलमान हिंसक हिंदुत्व वादियों के आतंक से अकेले जूझ रहा है। जी हाँ, जिस तरीके से उन्होंने अपने ये ट्विटर हैंडल से जो खबर बयान पोस्ट किया है उसको पढ़कर यहाँ क्या चीजें लग रहा है, उन्होंने खुला खुला जो है बीजेपी पर निशाना साधते हुए आरएसएस पर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बातें कह दी, और कहीं ना कहीं उन्होंने जिस तरीके से मोहन भागवत का जो बयान आया था कि पूरी दुनिया में जो मुसलमान सुरक्षित वो सबसे ज्यादा भारत का मुसलमान भारत में सुरक्षित है, उसको लेकर भी उन्होंने लगातार जिस तरीके से बात कही है, और उन्होंने मोहन भागवत को ये सलाह भी दे दी है कि आप ये कहानी जाकर उत्तरकाशी में सुनाए तो शायद मुसलमानों का कुछ भला हो सकता है, और मुसलमान लगातार जिस तरीके से अकेले ही इन सारी कॉन्ट्रोवर्सी से लड़ रहा है, लगातार ये चीजें निकलकर आपके सामने आ रही है। वही राज्यसभा सांसद जो रामजी गौतम है बसपा के, रामजी गौतम इंजीनियर रामजी गौतम जो बसपा नेता है, उनका एक बड़ा सामने जो बयान जो सामने निकल कर आ रहा है कि सतपुड़ा जलता रहा सत्ता मुस्कुराती रही, क्योंकि नर्सिंग कॉलेज स्कैम, कोविड खर्च, लोकायुक्त शिकायत, आदिवासी कल्याण के खर्च के साथ साथ तमाम गोपनीय फाइल्स जल कर राख हो गई। सतपुड़ा में आग चुनाव से पहले ही लगती है, 14 दिसंबर 2018, 25 जून 2012 को इसी भवन में आग लगी, लापरवाही या चुनावी संयोग। जी हाँ, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में बात किया जाए, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा में जिस तरीके से सरकारी बिल्डिंग में इस तरीके से आग लगी जिसमें सरकारी तमाम फाइलें तमाम दस्तावेज जलकर राख हो गए, उसी को लेकर उनका बड़ा ये बयान सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो है जो घोटाले होते हैं या स्कैम्स होते हैं उनको छिपाने के लिए जो है ये आग लगातार लगती रहती है, जैसा उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर 2018 को आग लगी थी, 25 जून 2012 को आग लगी थी, चुनावी टाइम पे ही आग क्यों लगती है, बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। वही मुख नायक के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर जो है सामने से निकल कर आ रही, सीवर में सफाई करने उतरे दो युवकों की दम घुट जाने से मौत हो गई है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर की ये घटना है, नगर निगम की लापरवाही आई सामने। जी हाँ, जिस तरीके से हम लगातार विश्व गुरु बनने की रेस में आगे निकलते जा रहे हैं और भारत एक विश्व गुरु बनने की हम बात करते हैं, भारत में तमाम तरीके की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तमाम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, वही सीवर की सफाई को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से खबरें आती रहती हैं कि वहां पे मजदूरों की मौत हो गई, वहां दो मजदूर मर गए, आज उसी से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर निकल कर आ रही है, तो कहां पे हम विश्व गुरु है जब हमारे पास सीवर की सफाई के लिए आधुनिक मशीनें नहीं है, लगातार हम अपने जान माल के लोग दुर्घटना में जान देते हुए लगातार सामने इस तरीके की खबरें आती रहती है। वहीं दलित टाइम्स के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से निकल करा रहे, बेंगलुरु में जातिवाद का एक मामला सामने आया है, दलित युवक
विवेक राज ने आत्महत्या कर ली है दलित होने की वजह से, सहयोगी देते थे जाति सूचक गालियां। जी हाँ, जिस तरीके से बात की जाती है भारत में कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर बड़ा ये सारा जो एट्रोसिटीज चलती रहती है, और कहीं ना कहीं एक वर्ग है जो ये दावा करता रहता है कि भारत में जातिवाद खत्म हो गया, तो उसको ये सारी खबरें देखनी चाहिए और किस तरीके से जातिवाद भारत में पिछले दशक में हावी हुआ है, ये कोई बात छुपाने की नहीं है। और लगातार इस तरीके की खबरें आती हैं, कहीं कोई स्टूडेंट जो है वो जाति की वजह से मारा जा रहा है, कहीं बच्चा मारा जा रहा है, कहीं मूछो रखने की वजह से दलितों को मारा जा रहा है। तो वही इसी तरीके से उसके जो सहयोगी थे वो लगातार उसको टॉर्चर करते हैं और जाति सूचक गालियां देते हैं, जिससे पीड़ित होकर ये दलित युवा विवेक राज ने आत्महत्या कर ली है। वही दलित टाइम्स के हैंडल से बड़ी खबर सामने से निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश बहराइच में ब्राह्मण गेंदा सिंह ने दलित बन हासिल की कोटे की सीट, फर्जी सर्टिफिकेट से बन बैठा सरकारी डॉक्टर। जी हाँ, जिस तरीके से एक तरफ बात की ये खबर देखी जा रही है कि कहीं ना कहीं दलित जो है जातिवाद में जिस तरीके से भेदभाव और उसको टॉर्चर किया जाता है उसकी तरफ उसकी वजह से वो आत्महत्या कर रहा है, वही जो बहुत से लोग ब्राह्मण जिस तरीके से पिछली भी रिपोर्ट आई, तमाम ब्राह्मणों ने, तमाम सवर्ण उच्च जातियों ने दलित बनकर करोड़ों रुपए का घोटाला किया, स्कॉलरशिप का घोटाला किया, वहीं ये खबर बहराई से है कि ब्राह्मण गेंदा सिंह ने जो है दलित का कोटे में जो है फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर सरकारी डॉक्टर बन गया है। वहीं दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर सामने से निकल कर आ रही है कि अगर तलवार के जोर या लालच से धर्म परिवर्तन मुमकिन होता तो मुगलों ने 350 साल में दिल्ली और आसपास को तो मुसलमान बना ही लिया होता। 1881 की जनगणना हुई तो दिल्ली तथा करनाल से अलवर और भिवानी से मेरठ कुछ भी मुसलमान बाहुल नहीं बना। हिंदू धर्म अपने अंदर झाके, अपने ही धर्म के लोगों को नीच मानना बंद करे, आपसी भाईचारा पैदा करे, वरना लोग जाते रहेंगे। जी हाँ, जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर लगातार कहीं ना कहीं से कोई खबर आती रहती है, उसी को लेकर एक बड़ा सवाल आया है कि जिस तरीके से अगर तलवार के दम पर आप चाहते हो कि कोई आपके धर्म को अपना ले ले तो ऐसा होना मुश्किल है, नामुमकिन है। जिस तरीके से मुगल अगर चाहते तो तमाम तलवार के दम पर तमाम ऐसे लोग होते जिनको उन्होंने जो है मुस्लिम बना दिया होता, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। पर उसी को सलाह देते हुए वो हिंदू धर्म के जो रहनुमाई बने हुए बैठे हुए हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं, उनको उन्होंने एक बड़ा सलाह दिया है कि आप अपने अंदर झांकिए और अपने समाज में जो लोग हैं उनसे नफरत करना बंद करिए, वरना लोग ऐसे ही जाते रहेंगे। दिलीप मंडल जी अपने ट्विटर हैंडल से लिखे, कर्नाटक में सांप्रदायिक तापमान बढ़ा है तो वहां काफी बिजनेस तमिलनाडु और तेलंगाना में चला गया। कर्नाटक के उद्योगपति और बिजनेसमैन ने कर्नाटक में बीजेपी को हराने के लिए अपनी तिजोरियां खोल दी हैं। उत्तराखंड का इंटरनेशनल टूरिज्म बिजनेस अब हिमाचल और कश्मीर जाएगा। उद्योग हो या टूरिज्म, लॉ एंड ऑर्डर बहुत जरूरी चीज है, उत्तराखंड अब कीमत चुकाएगा। जी हाँ, जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम चीजें चल रही है, लगातार इस तरीके से खबरें आ रही है कि मुसलमानों को बेदखल किया जा रहा है, उनसे दुकानें खाली कराई जा रही है, उनसे घर खाली कराए जा रहे हैं। और वही जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार वो सारी चीजें बताई अपने ट्विटर हैंडल से, उसी में कड़ी में जो दिलीप मंडल जी लिखते हैं कि अब उत्तराखंड को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि उत्तराखंड से जो है वो इस तरीके से अगर खबरें आएगी तो टूरिज्म कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, बिजनेस कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, और ये टूरिज्म कश्मीर और हिमाचल की तरफ शिफ्ट होगा। वहीं बिजनेसमैन भी उत्तराखंड जाने से कहीं ना कहीं कतराएंगे और कहीं ना कहीं वो भी जो है कश्मीर या हिमाचल की तरफ रुख करेंगे। जी हाँ, वही एक बड़ी खबर वेद प्रकाश जी के ट्विटर हैंडल से आ रही है। वेद प्रकाश जी जो द एक्टिविस्ट न्यूज ट्विटर हैंडल के मालिक हैं, वो चैनल के मालिक हैं, वो लिखते हैं, जातिवादी हिंदू से ज्यादा खतरनाक हम दोनों में एक को चुनना होता तो किसे चुनते हैं। वो जीतन मांझी जी ने जो बयान लिखा, उन्होंने जीतन मांझी ने जिस तरीके से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने लिखा है कि जातिवादी हिंदुत्व और से ज्यादा खतरनाक क्या है, हम दोनों में से एक को चुनना होता, तो इसी को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात बोली है और उन्होंने ये सारी चीजें लिखी है। जी हाँ, जिस तरीके से मनोज अभिज्ञान करके ट्विटर यूजर लिखते हैं, मायावती के राजनीतिक प्रभुत्व का ह्रास जरूर हुआ है, लेकिन मायावती को गरिया कर राजनीति चमकाने वालों का प्रभाव क्यों नहीं बढ़ रहा है। या तो आप अपना कद बढ़ाओ या दलित जहां पर है वहीं रहने दो, सपा भाजपा या कांग्रेस की तरफ मत ढकेलो, मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो पीछे भी मत ले जाओ। जी हाँ, जिस तरीके से बहन मायावती जी पर टीका टिप्पणी होती रहती है लगातार,
वही ये खबर सामने से निकल के आ रही है, ये यूजर लिखते हैं कि अगर आप मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो मिशन को वही छोड़ दो, कम से कम उसे पीछे तो ना धकेले। जी हाँ, वही दिलीप मंडल जी के ट्विटर हैंडल से बड़ी उन्होंने एक बड़ी खबर पोस्ट की है। वो लिखते हैं, केंद्र सरकार अपने विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के खाली पड़े 80% तक पदों को भर क्यों नहीं रहा है, कौन है जिम्मेदार, नौकरी देने में जातिवाद करने वाले सभी वाइस चांसलर बर्खास्त किए जाए और जेल में डाले जाए, और शिक्षा मंत्री उसके साथ प्रधान जी को उन्होंने टैग भी किया है, और किस बात के ओबीसी है अगर उनका कुछ चलता ही नहीं और नरेंद्र मोदी ही क्या कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से केंद्र सरकार विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के 80% जो पद खाली पड़े हैं उनको भर नहीं रही है, उस पर उनका बड़ा ये बयान सामने से निकल के आया है कि इसका जिम्मेदार कौन है, जबकि शिक्षा मंत्री भी ओबीसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खुद को ओबीसी बताते हैं, फिर ये कम से कम ओबीसी के पद को तो भरा ही जाना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि SC ST OBC के 80% पद खाली पड़े हैं, तो इन पदों को जो लोग नहीं भर रहे हैं और लगातार उन पदों को रोके रखने में इस समाज को हाशिए पर ढकेलते जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को जेल में डालने का काम किया जाए, ये दिलीप मंडल जी अपने ट्विटर हैंडल से लिख रहे हैं। तो इन सारी दिन भर की खबरों पर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। वीडियो को लगातार शेयर करते रहे और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।